हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स दिस इज नेहा एंड फ्रेंड्स बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर्स लाइक रिलेशन एंड फंक्शंस कॉम्बिनेशन परमोटेशन सेट्स एंड मैट्रिसेस तो उसके बाद देखिए अब जो है रिलेशन एंड फंक्शन से जो कि इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का टॉपिक था वो हमने कम्प्लीट समझा था ठीक है थ्योरी पोर्शन कम्पलीट कर चुके हैं नाउ इट्स टाइम फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आज तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट f डिफाइंड फ्रॉम n टू n इज अ मैपिंग यानी कि कोई फंक्शन दे रखा है जो कहां से कहां जा रहा है n टू n एंड एफ एन इज इक्वल टू टू एन प्लस थ्री फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन देन एफ इज अ अक्टिव इंजेक्टिव वाइजेक्टिव या नन ऑफ डीज तो फ्रेंड्स आप साथ साथ में खुद ट्राई करेंगे अगर आपको फंक्शन की रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखे थ्योरी पोर्शन ठीक है देखिए क्या दिया हुआ है एन टू एन फंक्शन डिफाइन हो रहा है इज नेचुरल नंबर सो हमें फंक्शन दे रखा है टू एन प्लस थ्री ठीक है तो क्या कह रहा है एफ किस तरह का फंक्शन होगा सर्जेक्टिव होगा इंजेक्टिव होगा बाइजेक्टिव होगा या नन ऑफ नीज तो सर्जेक्टिव सबसे पहले याद करिए फ्रेंड्स सर्जेक्टिव किस तरह के होते थे मैंने कहा था देखो फ्रेंड्स सर्जेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं ऑन टू फंक्शन ठीक है और ऑन टू क्या होते हैं जिनमें वाई की क्या हो सेट वाई की क्या हो प्री इमेज एग्जिस्ट करे वो क्या होंगे हमारे सब्जेक्टिव फंक्शन होंगे ठीक है शायद वीडियो में उसमें मैंने आपको मैनी टू वन को सब्जेक्टिव कह दिया था लेकिन हालांकि लिखा वहां पे पिछले वाले सेक्शन में उसको ऑन टू ही था ठीक है तो अगर इस तरह का है कुछ तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज देखिए सब्जेक्टिव को ऑन टू कहते हैं और इसमें होता क्या है वाई की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एन एफ एन इज इक्वल टू टू एन प्लस थ्री और एन जो है वो स्मॉल एन जो है किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को मान लो एन की यहां कोई भी वैल्यू पुट करें करे एन की वैल्यू वन रखी एन की वैल्यू वन रखने पे क्या आएगा देखो टू वन प्लस थ्री यानी कि फाइव जब मैंने फंक्शन पे टू रखा तो हमारे पास क्या आया टू टू प्लस थ्री यानी कि सेवन और जब यहां पे थ्री पुट किया तो देखो क्या आ रहा है टू इन थ्री प्लस थ्री दैट इज थ्री डिक्स प्लस थ्री नाइन फाइव सेवन नाइन तो क्या देखा जब यहां वन टू थ्री पुट किया तो आंसर आया फाइव सेवन और नाइन ठीक है यानी कि ये किस तरह का फंक्शन हो गया वन वन है वन वन मतलब हर एक एक वैल्यू के लिए एक आंसर आ रहा है एक वैल्यू के लिए दो आंसर नहीं आएंगे कि आप यहाँ कुछ भी पुट करके देखो तो ये हो गया वन वन और वन वन को क्या कहते हैं इंजेक्टिव कहते हैं ठीक है अब चेक करो ये सर्जेक्टिव है या नहीं सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है यानी ऑन टू क्या होता है वाई के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए प्री इमेज देखो यहाँ पे फाइव सेवन नाइन लिखा है पर क्योंकि फंक्शन कहां से कहां जा रहा है नेचुरल टू नेचुरल तो यहाँ पे तो और भी तो नेचुरल नंबर हो सकते थे देखिए वन भी होगा यहाँ पे टू भी होगा थ्री भी होगा फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो वन टू तो थ्री फोर की कोई भी प्री इमेज नहीं है इसका मतलब ये फंक्शन क्या है सर्जेक्टिव नहीं है ठीक है तो सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा क्यों बाइजेक्टिव क्या होते थे बाइजेक्टिव क्या होता है जो वन वन भी हो और ऑन टू दोनों हो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तो देखिए इसका ऑप्शन बी हमारा राइट right आंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अ सेट ए हैज थ्री एलिमेंट एंड बी हैज फोर एलिमेंट सेट ए में कितने एलिमेंट हैं थ्री और बी में कितने हैं फोर देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज तो इंजेक्टिव मैपिंग्स बताओ इंजेक्टिव मतलब वन टू वन मैपिंग कितनी बन सकती है ए टू बी वो हमें बतानी है इस क्वेश्चन में तो ए में कितने एलिमेंट हैं थ्री और बी में कितने हैं फोर चलिए करते हैं तो देखो ए पे कितने एलिमेंट हैं थ्री और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं फोर ठीक है अब देखो अगर मैं यहां पे लिख लू वन टू थ्री और बी पे है वन टू थ्री फोर ये चार एलिमेंट हैं अब मैपिंग कैसे डिफाइन करनी है वन टू वन मैपिंग होनी चाहिए यानी कि इंजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए इंजेक्टिव फंक्शन है ठीक है तो देखो मान लीजिए वन की मेज वन टू की टू थ्री की थ्री तो एक एलिमेंट बच रहा है इसका मतलब क्या हुआ जब भी इसमें मैपिंग बनेगी तो फोर में से अब जैसे अब मान लो फर्स्ट एक केस तो ये हो गया सेकेंड केस होता मान लो वन टू थ्री वन टू थ्री फोर अब मैंने वन को टू पे किया टू को थ्री पे और थ्री को फोर पे वन बच गया यानी कि हर बार फोर में से फोर में से सिर्फ कितने जोड़े बनेंगे फोर में से सिर्फ कितनों कितने जो है इमेज का काम करेंगे यानी कि जब इनपुट वन टू थ्री दिया तो सेट बी में से सिर्फ कितने एलिमेंट जो है वो आउटपुट में आएंगे तो आउटपुट में कितने आएंगे सिर्फ तीन ही तो आएंगे ना आप कैसे भी इमेजेस बना लीजिए इसके साथ कैसे भी मैपिंग करो तो तीन ही आएंगे एक एक के लिए एक एक आंसर आएगा तो यानी कि फोर में से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे तीन ही सेलेक्ट हो रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना परमुटेशन का फॉर्मुला आपने लगाना है तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा फोर पी थ्री ठीक है फोर पी थ्री और वैसे भी याद रखो अगर यहां एम हो यहां एन हो ठीक है एम से एन इंजेक्टिव फंक्शन हो तो जो फॉर्मूला लगेगा वो है एनपीएम का ठीक है एनपीएम विच इज इक्वल्स टू एनपीएम किसके इक्वल होता है पढ़ रखा है हमने परमोटेशन कॉम्बिनेशन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एम फैक्टोरियल ये आपका आंसर हो जाएगा तो यहां पे करिए इसकी वैल्यू पुट फोर पी थ्री कितना हो जाएगा फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस थ्री वन फैक्टोरियल ठीक है जो कि हमें आंसर देगा देखो कैलकुलेट करके फोर मल्टीप्लाय थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाय वन दैट इज करती है बारह बार दो चौबीस तो हमारे पास ट्वेंटी फोर ये आंसर हो गया ठीक है इस तरीके से करेंगे यहाँ तीन है यहां चार है तो चार में से कितने सेलेक्ट हो रहे हैं जितने यहां पे इनपुट होंगे उतने ही आउटपुट आएंगे यानी कि फोर में से सिर्फ थ्री की सिलेक्शन होगी एक बारी में तो एट अ टाइम पे इसलिए ये फोर पी थ्री ये हमारा परमोटेशन लगेगा यहाँ पे और फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस थ्री यानी कि वन फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा वन फैक्टोरियल फोर माइनस थ्री वन फैक्टोरियल जो कि आया ट्वेल्व के इक्वल अगर फॉर्मुला याद रखना है जनरल फॉर्मुला तो ये लगेगा जब हम एम टू एन क्या कर रहे हो इंजेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अब देखते हैं तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया हमारा तो हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन आ गया देखिए फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन ठीक है ट्वेंटी फोर हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन देन प्री इमेज ऑफ सेवनटीन एंड माइनस थ्री आर ठीक है मैपिंग दी हुई है कहां से कहा आर टू आर फंक्शन डिफाइन कर रखा है और एफ एक्स दे क्या रखा है हमारे पास क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन देन प्री इमेज ऑफ सेवनटीन एंड माइनस थ्री क्या होगी ठीक है तो पहले देखिए प्री इमेज क्या होती है ये सेट एक्स है ये सेट वाई है ठीक है एक्स एंड वाई वाई के जो एलिमेंट है वाई के जो एलिमेंट है मान लो यहाँ वन यहाँ टू यहाँ ए बी और सी वन की मैपिंग ए पे है और तो टू की मैपिंग बी पे है ठीक है यानी कि जब x की जगह पे वन इनपुट ये क्या होते थे इनपुट और ये क्या हमारे आउटपुट यानी कि जब आप ये वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे इसमें डालेंगे तो हमें क्या आंसर मिला ए आंसर मिला ऐसे समझ लो कोई फंक्शन है उसपे वन रखा तो आंसर आया ए टू रखा तो आंसर आया बी ये आउटपुट ये इनपुट अब देखिए प्री इमेज का कैसे बोलेंगे वन की इमेज थी ए और अगर उल्टा बोले कि ए की प्री इमेज यानी कि ए किसको रखने पे आया है तो ए किसको रखने पे आया था एक्स पे एक्स की जगह पे जो वन रखा था तो हमें ए मिला था तो ये क्या हो गई इसकी प्री इमेज ठीक है अब सेम वही चीज है यहाँ पे कोई सेट है जो है आर यहाँ पे आर आर में से हमने कौन सी वैल्यूज ली यहाँ पे हमने आर की वैल्यूज कौन सी पुट की देखिए कोई भी रियल नंबर हम यहाँ रख सकते हैं ठीक है कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं वन जीरो माइनस वन टू इस तरीके से और हमें क्या मिलेगा एक रियल नंबर मिलेगा आठ ट मैपिंग डिफाइन किया और फंक्शन क्या दे रखा है देखो इनके बीच में एक एफ एक्स दिया हुआ है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये क्या कह रहा है इसके अकॉर्डिंग हमें प्री इमेज बतानी है यानी कि ये वाला हमें आंसर में दिए हुए हैं ये जो वाई है ना ये आंसर में दे रखा है क्या दिया हुआ है देखो एक दिया है सेवनटीन और दूसरा दिया है माइनस का थ्री कह रहा है वो नंबर बताओ जिनको रखने पर सेवनटीन और माइनस थ्री आया है ठीक है समझ गए जिनको रखने पे सेवनटीन और माइनस थ्री यानी कि थ्री की प्री इमेज और सेवनटीन किसको रखने पे आया वो हमें बताना है ठीक है यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा जिसके लिए यह दो वैल्यू हमें मिली है तो चलिए सॉल्व करते हैं देखो एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है और एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई भी कहते हैं यानी कि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है फर्स्ट केस में देखो दो वैल्यूज हैं एक है सेवनटीन एक माइनस थ्री तो सेवनटीन एक दी हुई है यानी कि एक्स पे कुछ भी रखा होगा कुछ भी वैल्यू रखी है तो उसके लिए आंसर कितना आया है सेवनटीन ठीक है तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वल टू सेवनटीन माइनस वन जो कि बन गया सिक्सटीन तो यहां से देखिए एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जब रूट करेंगे तो सिक्सटीन का रूट यानी कि प्लस माइनस फोर तो एक्स की वैल्यू जब प्लस या माइनस फोर रखी तो वाई कितना आया हमारे पास सेवनटीन ठीक है फ्रेंड्स एक ये हो गया अब सेकेंड देखो सेकेंड क्या दे रखा है माइनस थ्री यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन यहां पर एक्स की कुछ वैल्यू रखी होगी तो आंसर कितना आया था माइनस थ्री तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री और ये वहां चला गया ये क्या बन जाएगा प्लस वन था वहां जाके क्या हो गया माइनस वन आ गया माइनस का फोर तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर यानी कि एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर ठीक है जो कि एक इमेजिनरी नंबर आ गया तो यहां से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई माइनस रूट रूट में माइनस फोर जो कि एक इमेजिनरी नंबर है यानी कि आयोटा में आएगा तो देखिए फंक्शन कहां से कहां था r टू r डिफाइन था यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए एक रियल नंबर जबकि आ क्या गया इमेजिनरी नंबर तो इमेजिनरी नंबर रियल नंबर का पार्ट नहीं होते इसका मतलब माइनस थ्री की प्री इमेज क्या हो जाएगी कुछ भी नहीं ठीक है यहां पे हम हाँ, कुछ माइनस थ्री के लिए कोई भी नंबर यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है यानी कि देखिये माइनस थ्री के लिए जो प्री इमेज है वो क्या हो गई फाइव माइनस थ्री इस सेट में तो माइनस थ्री रखा हुआ है यहां पे पर इसके लिए यहां कोई नंबर नहीं है जिसको पुट करें तो हमें क्या आ जाए माइनस थ्री आ जाए समझ गए तो यहां थ्री के लिए क्या आ गई प्री इमेज फाइव आ गई ठीक है यानी कि एफ फाइव पे हमें माइनस थ्री मिल रहा है तो अब लिख लीजिए भाई आपको क्या बताना था प्री इमेजेस कौन कौन से होते देखो ये फर्स्ट है सेवनटीन के लिए और सेकेंड जो सेट है ये किसके लिए है माइनस थ्री के लिए तो ऑप्शन देखिए फाइव सेवनटीन किस पे मैप हो रहा है फोर एंड माइनस फोर पे तो देखो सबसे पहले फोर और माइनस फोर किस किस में है इन दो ऑप्शन में है ठीक है फोर माइनस फोर और थ्री किस पे माइनस थ्री किस पे हुआ है फाइव पे यहाँ पे फोर माइनस फोर था पर यहां टू माइनस टू आ गया तो ये ऑप्शन से हट जाएगा ये हमारा राइट हो जाएगा सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी एक मैपिंग और दी हुई है जो कहां से कहा है आर टू आर है और जी एक्स फंक्शन कितना दे रखा है एक्स स्क्र तो हमें बताना है फॉग क्या होगा यानी कि एफ ऑफ जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा ठीक है तो ये हमें फाइंड आउट करना है तो हमने ये पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये क्वेश्चन बन गया तो एफ ऑफ जी एक्स तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे देखो सॉल्यूशन करेंगे इसका एफ ऑफ जी एक्स ठीक है एफ ऑफ जी एक्स यानि कि इसका क्या मतलब हो गया फ्रेंड्स एफ के लिए जो पूरा जी एक्स है एफ के लिए जो पूरा जी एक्स है ना वो इनपुट का काम करेगा ठीक है तो इसको कैसे लिख सकते हैं देखो इसको क्या लिख सकते हैं एफ एफ और जीएक्स देखो कितना दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी F कि एफ F के अंदर क्या पुट करो एक्स स्क्वायर पुट करो अब एफ एक्स दे क्या रखा था हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ था साइन एक्स एफ एक्स क्या दे रखा है साइन एक्स इसका मतलब ये हो गया हमने x की जगह यहां पे क्या पुट किया एक्स स्क्वायर अब जहां जहां इस फंक्शन में एफ एक्स में x था वहां वहां पे क्या करो एक्स स्क्वायर पुट कर दो तो देखो क्या बन जाएगा ये एफ एक्स स्क्वायर जब यहां रखा तो ये क्या बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर ठीक है जहां x एक्स उसको स्क्वायर लिख लिया जो कि इक्वल हो गया साइन एक्स स्क्वायर के ही इक्वल हो गया सिंपल था ये डायरेक्ट क्वेश्चन था देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है एक्स स्क्वायर साइन एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर तो ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट right हो जाएगा ठीक है अगर अच्छा इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना होता ये एफ ओ जी था आप मुझे ठीक है ट्राई ऑन ऑन योर ऑन ठीक है खुद ट्राई करिए इसको क्या करना है आप मुझे गॉफ निकाल के बताएंगे इसका क्या गॉफ कैलकुलेट करिए अगर वीडियोस देख रहे हैं तो इतना कैलकुलेट करके आपको आंसर लिखने में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स ठीक है आप गॉफ इसका कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए क्या दिया हुआ है डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स हमें क्या बतानी है डोमेन बतानी है किसकी एफ एक्स की जो कि कितना दे रखा है वन अपॉन एक्स सच और वहां पे एफ जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन है आर टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर तो फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर का सेट है ठीक है डोमेन बतानी है तो देखिये जब भी रैशनल में मतलब अपॉन में फंक्शन आ जाए तो ये वेल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती है सोल्यूशन में देखिये जैसे वन अपॉन एक्स है तो ये फंक्शन जो है ना ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए डिफाइन होने का मतलब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये डिफाइन ही ना हो मतलब अगर मैं वन अपॉन जीरो अगर यहाँ पुट करूँ तो देखो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा ना ये फॉर्म क्या हो जाएगी नॉट डिफाइन इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो एक्स की वैल्यू यहां क्या क्या रख सकते हैं ये कहना चाह रहा है डोमेन का मतलब होता है हम क्या वैल्यूज एक्स की पुट कर सकते हैं जैसे ये दो सेट है ये आर टू आर रियल नंबर्स हैं हमने एक एफ एक्स लिया है और एफ एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स है तो व्हाट वैल्यू शुड बी व्हाट वैल्यू वी कैन पुट हेयर सो दैट वी कैन गेट अ आंसर तो एक्स की क्या क्या वैल्यू रखने पर हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज what आर द ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर एक्स सो सपोज इफ यू राइट वन टू थ्री फोर अगर हम यहाँ कोई भी नंबर लिखे तो हमें कुछ न कुछ आंसर जरूर मिलेगा ठीक है मान लीजिए अगर मैं एक्स रख लू फ्रेंड्स वन तो देखो एफ एक्स जो कि इक्वल था वन अपॉन एक्स वन अपॉन वन वन जाएगा ठीक है क्या आ जाएगा हमारे पास वन आयेगा अगर मैं एक्स की वैल्यू कितना फुट करूं माइनस वन फुट करूं तो वन अपॉन माइनस वन जो कि माइनस वन बन जाएगा तो कुछ न कुछ वैल्यू मिलेगी लेकिन अगर एक्स जीरो रख दें तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन यानी कि वी कैन पुट ऑल आर एक्सेप्ट जीरो सारी आर की वैल्यू पुट की जा सकती है लेकिन जीरो हम इसमें नहीं रख सकते तो जीरो हटाना है एक्सक्लूड करना है तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन था आर सेकेंड है वन टू तो इन्फिनी आर माइनस जीरो या नन ऑफ दीज तो पूरा आर अगर रखेंगे तो उसमें जीरो आ जाएगा तो ये ऑप्शन से हट गया वन टू तो इन्फिनी ऐसा किसने कहा है कि एक्स में सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं क्यों यहाँ माइनस भी तो रख, पुट की जा सकती है ना है ना तो ये भी ऑप्शन में हम लोग हटा देंगे अब देखिए थर्ड ऑप्शन आर माइनस जीरो ठीक है आर माइनस सेट जीरो जीरो वैल्यू जीरो हटा दे अब जीरो हटाते ही हमारे पास सारे नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं जीरो नहीं रख सकते यही हमारी कंडीशन थी क्योंकि जीरो पे ये नॉट डिफाइन हो रहा है इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ठीक है समझ में आ गया डोमेन ऑल वैल्यूज फॉर विच फंक्शन कैन बी डिफाइन ऑल वैल्यूज़ फॉर विच अ फंक्शन गिव्स सम वैल्यू वो सभी वैल्यूज़ जिनके लिए ये फंक्शन जो है कुछ ना कुछ आंसर देगा वो सारे इनपुट तो वो कौन से होंगे आर माइनस जीरो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप नाउ सिक्स क्वेश्चन कंसीडर द सेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड आर बी द स्मॉलेस्ट इक्वी रिलेशन ऑन ए देन आर इज इक्वल टू एक सेट ए हमारे पास दिया हुआ है वन टू थ्री एंड आर विद द स्मॉलेस्ट इक्वी बैलेंस रिलेशन तो पहले तो भाई देखिए इक्वी बैलेंस रिलेशन होता क्या है ठीक है इक्वी बैलेंस रिलेशन क्या होता है अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए देखो रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो ये तीनों चीजें अगर हो तो ये क्या बन जाता है इक्वी बैलेंस रिलेशन बनता है ठीक है पढ़ रखा है हमने अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है जिसमें क्या हो ए मतलब पेयरिंग वाले नंबर सारे आने चाहिए सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो बी ए भी उस सेट में होना चाहिए और ट्रांजिटिव क्या होता है अगर ए बी है एंड बी सी है तो उस सेट में उस रिलेशन में ए सी भी होना चाहिए ये तीन कंडीशन भी मैंने आपको रिवाइज करवा दी और डिटेल में देखना है तो आप क्लास ट्वेल्थ वाली प्रीवियस वीडियो देख लें अब देखिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इसमें क्या कहा है ये सेट दिया हुआ है आप ऐसा रिलेशन बताओ ठीक है इस सेट में हम ऐसा कौन सा रिलेशन डिफाइन करें सबसे छोटा हो वो मतलब एक तो वो रिलेशन सबसे छोटा हो ठीक है और दूसरा उसमें वो क्या हो इक्विवेलेंस हो इक्विवेलेंस हो तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन हो एंड सबसे स्मॉलेस्ट हो तो वो रिलेशन होगा हमारा आर इज इक्वल टू वन कॉमा वन टू कॉमा टू एंड थ्री कॉमा थ्री ठीक है अब देखिए ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्स में क्या होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इसमें होने चाहिए तो देखो वन इसमें था तो वन वन भी है टू टू भी है और थ्री थ्री भी है रिफ्लेक्सिव हो गया अब चेक करते हैं सिमेट्रिक सीमेट्रिक क्या कहता है अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए अब देखो वन वन कहे मान लो इसको ए कहे इसको बी कहें तो ए बी बी ए दोनों ये खुद ही है ना तो इसलिए ये क्या होगा सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांसिटिव देखिए वन वन है तो एंड एंड वन टू कोई और एलिमेंट हो तब ये कंडीशन लागू होती ठीक है पर यहां देखो हमारे पास वन वन है फिर वन टू तो है ही नहीं ना तो अगर सिंपल एक नंबर है और सेकेंड एलिमेंट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव कहलाता है समझ गए यानी कि देखो यहां पे सेकंड कंडीशन है ही नहीं एंड कंडीशन आती थी इसमें मैंने बताया था आपको अगर ए भी दिया हुआ है और एंड वाला नंबर नहीं दिया तो भी वो क्या होगा ट्रांजिटिव होगा ठीक है तो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अगर डिफाइन करना हो तो वो क्या होता है रिफ्लेक्सिव सेट ले लीजिए उसका वो क्या होगा तीनों होगा वो रिफ्लेक्सिव भी सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी और वो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तो इस ये एमसीक्यू में नहीं था थ्योरी में था मैंने आपको समझा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्या है लेट ए बी अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट ए कोई फाइनाइट सेट है ठीक है यानी कि इसमें जो मेम्बर्स uh, हैं जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल हैं कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए ऑन टू इट सेल्फ ए जैसे ये सेट ए है ए से ए में ही मैपिंग करने पे ऐसे ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ठीक है सॉरी इंजेक्टिव फंक्शन ऑन टू नहीं है इंजेक्टिव है यानी कि वन वन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं वन वन मैपिंग कितने बनाई जा सकती हैं ठीक है तो देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस किया भी था थ्री और फोर सेट वाला देखिए अगर यहां एन एलिमेंट है तो इसमें भी कितने एलिमेंट है एन समझ रहे हैं अगर उसमें मैंने बताया था आपको एम एन के लिए अगर यहां एन एलिमेंट है यहां पे कितने हैं एन एलिमेंट है तो इन एल के लिए हमें क्या है एक ना एक इमेज मिल रही है यानी कि अगर यहां चार मेंबर हैं तो चार के लिए प्रीवियस में कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं चार ऑप्शन अवेलेबल हैं ठीक है ठीके? फोर में से फोर सिलेक्ट कर रहे हैं अगर एन है तो एन सिलेक्ट कर सकते हैं एन के लिए एन हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं ठीक है तो देखो इसका आंसर क्या हो जाता है एन फैक्टोरियल फिर से परमोटेशन लगाओ तो वही बन जाएगा एन पी एन तो जो कि हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन जीरो फैक्टोरियल जो कि होता है वन तो हमारा आंसर आ गया एन फैक्टोरियल ये आप एज ए फॉर्मूले ध्यान रखना कि ए टू ए जो इंजेक्टिव फंक्शंस होते हैं वो किसके इक्वल होते, है? होते हैं एन फैक्टोरियल के इक्वल होते हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग